जिला स्तरीय बैंक सलाहकार समिति हमीरपुर की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हमीर भवन में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। उपायुक्त रतन गौतम ने सभी बैंकों से जिला हमीरपुर की सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए ऋण आवंटन में तेजी लाने तथा समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय समावेश तथा बैंक ऋण लेने हेतु जनता को प्रेरित करने तथा पुराने ऋणों की उचित वसूली करने का आह्वान किया, ताकि जिले के समुचित विकास को गति मिल सके। उन्होंने सभी बैंकों से जागरूकता कैंपों के माध्यम से प्रदेश तथा केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी बैंकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के भी निर्देश दिए। वहीं पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक रवि शर्मा ने वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही की प्रगति एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।